अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साजिद राणा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पिजन लवर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है पर पटाई का सीज़न जारी है और हम अपने कबूतरों के आज पर पटाई करने लगे हैं। एक औरली वीडियोस मैंने जो है वो पहले इस पे बना के अपलोड की हुई हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली जो है वो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम कबूतरों की पर पटाई करेंगे इंशाल्लाह जी, वैसे आप प्रैक्टिकली आपको गाइड भी करेंगे और आपको शौक भी करवाएंगे। तो हमारी जो बाजियां ईद के बाद हैं तकरीबन 14-15 मई के बाद 16-17 मई को 16 या 17 मई को हमारी जो पहली बाजी है उस हवाले से आज पर पटाई करने लगे हैं, जिसमें हमारे प्यारे दोस्त भाई डॉक्टर जुबैर साहब हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और साथ में बैठे हैं जनाब अमजद गोडला साहब, इनके साथ के हम शौक करते हैं और दोस्तों के साथ ही ये कबूतरबाजी का शौक जो है वो दोस्तों के साथ ही होता है। तो आज उनको स्पेशल कॉल की है कबूतरों की जो है पर पटाई के वाले से, आज मिल के पर पटाई करेंगे। तो कुछ परिंदे जो घर से उठा के लाए हैं जनाब, इनके पर वगैरह खींचते हैं। तो पहले भी मैंने जो वो बताया है कि इनकी जब भी पर पटाई करनी है तो सबसे पहले इनके आपने चैलेंज की अच्छी तरह से स्कैनिंग कर लें। ये देखिए जनाब, मैंने ये काटे हुए हैं कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे में, ताकि ये जो है ज़मीन पे बैठने के जनाब आदि हो जाए। तो इनके हम पर खींचेंगे, पर काटने से खींचने से पहले चेक कर लें कोई ताज़ा पर या ताज़ा गली तरी निकाल रही निकाल रहा कबूतर। देखिए बिल्कुल ये रस्ता साफ है, इसकी कोई कमी चाहे वो जनाब वो नहीं निकाल रहा। मुकम्मल पर पटाई करेंगे इसके, यानी कि एक ही मरतबा हमने ये सारे खींच देने इसके। चार्ली कबूतर है हमारा माशाल्लाह 2020 का ये चैम्पियन 3 पॉइंट, इसके हम पर खींचते हैं। बुदला साहब आना उनको तो नहीं खींचने होंगे, ठीक है, बाकी हम ये भी हमारा माशाल्लाह 2020 का विनर 20 का चैम्पियन है। तो बड़े एक एक आप कह लें जी कली हमने खींचेंगे बड़े प्यार से एहतियात से, ये हमारे चैम्पियन कबूतर हैं 2020 के। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ये कबूतर। तो लो जनाब डॉक्टर साहब सारा कुछ पटने लो जनाब, ये पहले उसने पढ़ने माती, ये भी चैम्पियन है, तीसरे दिन जीती थी ये माशाल्लाह, पक्का नाम थी कमाल की थी इसने। ये देखें आज अब बगल वाले नवे कि पुराने? नहीं नहीं सारे पुराने ले जी। पर पटाई के बाद ये इन्होंने अब दाना खाया हुआ है, दाना इन्होंने को मैंने डाला हुआ था, दाना इन्होंने इनके पास है, पानी ही डाला तो पानी इन्होंने पिया, वो पर खींचेंगे तो पानी जब बाहर निकालेंगे। तो दाना इन्होंने खाया हुआ है, अब जब ऊपर से इनको पानी देना उसमें हमने कोई कह लें कि पेन किलर ब्रूफिन सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इनको देंगे ताकि इनको ज़रा पेन से रिलीफ मिले। तो लो जी, इसकी मैं पर पटाई करता हूँ, मैं कराँगा जनाब से स्टार्ट। तो बाज़ का आपने देखा होगा कि ये शिकारी हज़रात जो है हमारे वो एकदम से ही दुम पकड़ी खींच रही, बहुत गलत है, तो तकलीफ़ होती है। आप देखेंगे एक पर खींचते में इनको इतनी तकलीफ़ होती है, तो एकदम से जब इनकी पूरी दुम आप खींचेंगे तो कितना दर्द होगा इनको। ये जनाब इसकी ये भी खींचेंगे तो सारे नए निकलेंगे। तो ये पर पटाई जनाब कबूतरबाजी में कहते हैं बहुत आम किरदार है इनका। क्यों हम पर पटाई करते हैं? ताकि कबूतर जब अपने पर नए निकालें
जब पर नहीं निकालते हैं तो फिर जनाब ये कम से कम 3-4 माह तक अपने पर नहीं गिराते, तो इसीलिए इनके पर खींचे जाते हैं। तो कबूतरों ने जनाब नहीं परों से है, तो ये देख रहे हैं आप पिछले साल का इसका जनाब कलर है, वो मैं निकाल देता हूँ। हमारा कलर इस दफ़ा जो ब्लैक बगल है भाई, तीन एंट्री हैं, दो तीन जगह भी एंट्री है, 32 ट्यूबल में है, 40 डी में है और गांव में भी है। अरे मैं थोड़े दो अरे बगल छोटी नहीं है ना, ठीक है बगल है ना, बगल नहीं नहीं बस वो चार नहीं देख सकते गुल्ले। ये देखें जनाब सिंगल सिंगल पर वो क्या है, ये इसका पिछले अच्छा तारक ने सही रंग लाया था। ये जनाब 2020 का इसको कलर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा सब दोस्तों को। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे दोस्त नए दोस्त चैनल पे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि ये हमारा माशाल्लाह वाइज चैनल है जनाब छतरी वाला पट्टी वाला का। अब तो काफ़ी दोस्तों ने और ने भी बना लिया, अच्छी बात है, बनाने चाहिए, जिनके पास नॉलेज है शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। तो देखें जहाँ से भी आपको इस रिलेटिव कोई भी चीज़ दूसरों के हवाले से मिलती है तो आपको गेन करनी चाहिए, पिक करनी चाहिए। ये नहीं कि आप जब मैं कहूँ कि आप मेरा चैनल है आप इसे देखें, अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले वो आपको पिक कर लेनी चाहिए। और जनाब ये हम फ्री ऑफ कास्ट बताते हैं, सिखाते हैं दोस्तों को, किसी भी किस्म का कोई कह लें कि चार्जेस हम वसूल नहीं करते। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम जो है वो इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाते रहें जोश व खरोश के साथ। तो देख लीजिए कितनी देर होगी अभी तक हम एक एक कबूतर को लगे हुए हैं पर पटाई करने में, तो बड़े एहतियात के साथ एक एक पर चेक करके एक एक पर हम निकाल रहे हैं इनका, ताकि अगर एक तो इनको पेन भी ना हो और दूसरा हमारी भी तसल्ली हो। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इनके पर खींचने में। ये लो वो दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं, हर किस्म की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हैं कबूतरबाजी की तैयारी यानी कहने से ज़ीरो से लेकर आप जो है वो बाजी की तैयारी तक सीख सकते हैं। असल में जो दोस्त जो हैं वो भागते हैं नुस्खों की तरफ, अगर आप नुस्खों के बजाय अच्छे कबूतरों की तरफ भागें ना तो बड़ी जल्दी कामयाब हो जाए। कबूतरबाजी में आप इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि जनाब नुस्खे हर किसी के पास हैं और एक से बढ़कर एक नुस्खा है। कामयाब वही होगा जिसके पास अच्छा कबूतर होगा, अच्छा ब्लड होगा, वही लोग कामयाब होंगे। तो हम भी कोशिश है बना रहे हैं अच्छे कबूतर, अच्छे से अच्छे, अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है जनाब। अभी तक जितने जिस लेवल के हैं हमारे पास कबूतर उन्होंने हमें इज़्ज़त दी है, लेकिन बेहतर से बेहतर कामल जो है या सफ़र कह लें आप वो भी जारी है। कबूतरों में कह लें कि अपडेट करते रहना चाहिए इनको ताकि डॉक्टर साहब पाटर ने जनाब ब्रावो देखो ब्रावो की कर रहा है सर, क्यों बोला साहब आप हार गए तो
कैमरा जो स्टैंड लगाया हो नौजवान टिक बगल दिन भी हो गई कंप्लीट नजर आया स्लो उसमें स्लो स्लो इन्हें ध्यान ना वेस्ट वेस्ट के एकदम ने कबाड़ा था भी स्लो ही है। अच्छा इसमें आपको एक और बात बताता हूँ जनाब पते की, जैसे ये हमारे अब चैम्पियन कबूतर हैं, क्योंकि हर दोस्त के पास लॉट में जो दो चार परिंदे या कह लें वो ऐसे होते हैं जिन पे उनका इंसार होता है बाजियों का, कि इन कबूतरों की बेस पे हमने जनाब शो करना है और ये हमारे जो है वो चैम्पियन कबूतर है। तो जब हम इनकी परपटाई करते हैं तो खदशा होता है, डर होता है कहीं इनके पर जो ना जाए या निकले ही ना। असल में जब इनके पार खींचते हैं तो जब कबूतर अपने पार फड़फड़ाते हैं तो इधर से ना इनके जो खून निकलता है गत्ते पड़े ना जनाब, इनका जो ब्लड निकलता है तो वो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 0.1 cc की सिरिंज ले लें, उसमें आप जनाब सरसों का जो तेल होता है वो डाल लें और एक कतरा जो है ना आप इनके जो ये मुसाम है जहाँ से पार खींचे हैं इनमें एक एक कतरा डाल दें तो इंशाल्लाह वो कबूतर आपके 100% पार निकालेंगे। ये भी एक गुर की बात है कि जैसे हमें पता है ये हमारे कबूतर हैं, हमारा शौक इन्हीं कबूतरों पर होना है, ये 2010 कबूतर हमारे चैम्पियन कबूतर है पिछले साल के, तो हर लोग में ऐसा ही होता है चैम्पियन बर्ड होते हैं इंसान के, उनका अगर आपको कोई खदशा हो कि ये कहीं मरना इनके मर जाए तो आप जनाब सरसों का तेल एक एक ड्रॉप इनके मुसाम में डाल दें तो इंशाल्लाह ये पर नहीं इनके मरेंगे। लो जी मैं आपसे ज़रा बातों में मसरूफ़ हूँ इसलिए कुछ ज़्यादा ही मैं एहतियात के साथ इनके पास पहुँच रहा हूँ। लो जी ये ऊपर इनके जो कवरिंग फीदर होते हैं इनको भी इसके गत्ते भी बोलते हैं, इनको मछलियाँ भी बोलते हैं, ये भी खींचना लाजमी है। अगर आप ये नहीं खींचेंगे ये गत्ते इनके आप नहीं खींचेंगे तो भाईजान ये फिर गत्ते गिराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने कवर करना होता है हवा की जो कहने की हवा को इन्होंने ब्लॉक करना होता है हवा ना गुजरे परों में, ये इनका मेन रोल है। जो बड़े कबूतरों के बड़े पर होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, ये वाले हवा नहीं गुजरने देते ये वाले का, ये भी खींचना लाजमी है। अगर नहीं खींचेंगे तो ये गिराना शुरू कर देंगे, जब गिराएंगे तो फिर पता है हवा क्रॉस होगी और फिर आपका कबूतर जो है वो उड़ेगा नहीं, ताकि जल्दी थक जाएगा और बैठ जाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा माती पछाणी कहड़ी गल है पछाणी है जो बजोड़ा लाया हुआ है ये जनाब इनके अंदरली साइड और बाहर वाली साइड इधर जो है वो लाजमी कहते हैं। लो जी पर पटाई हो गई, ऊपर से इनको कुछ पेन किलर सिरप आप लाजमी दें, मैं तो बिल्कुल दूँ आप वो भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनको बिल्कुल सिरप यूज करवाएं।
नहीं जो सारा बोतला साफ साफ हो गया ना उधर रहने वाले। अच्छा आप इसमें ये देखें जनाब, ये भी आपको बताना मकसूद है, ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे में तो ये इसके इसमें नई कलियाँ निकाली हैं, तो ये भी अपने कैसी जो रह गए वो कैसी। अब ये जब नई कलियाँ निकली हुई हैं तो क्योंकि ये जो नीचे इनके कवरिंग फीदर है ये भी निकले हुए हैं, ये भी आपने लिखा है। अगर जब कबूतर एक कली गिराते हैं तो साथ में अपना एक गट्ठा कह लें इसको, या इसको मछली कह लें, या इसको कवरिंग किधर कह लें, ये भी गिराता है। तो जितने ये ऊपर कलियाँ निकली हुई हैं उतने उतने इसके ये नीचे जो है ये भी निकले हुए हैं, तो ये भी आपने नहीं खेल दिया। जो रह गए हैं जैसे इसके अभी चार या वो बड़े लास्ट वाले चार पर रहते हैं और ये इनके चार नीचे वाले गट्ठे जो वो भी रहते हैं, तो वो भी खींच लिए। ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए आप बगल में जो है, बगल में इसने इधर से जब निकालने की कोशिश की तो वो नहीं निकाले, जो रह गए वो हमने क्या कह रहे। चले जी ठीक है जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ये तो जो भी आम मालूमती जिसमें पर बताएंगे वाले में से एहतियाती तदाबीर थी वो मैंने आपको बता दी। दोबारा तो रिक्वेस्ट इंशाल्लाह जी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।